तेल तो जनाब 70 रुपये चाहिए, ये तो वध नहीं बारा खाता हर बंदे। 100 रुपये का जे पेट्रोल पवाइए तो मतलब 1 लीटर पेट्रोल नहीं है। स्कूटरी की एवरेज 35 किलोमीटर जस्ट 1-2 फेरे मारिए बाजार से 100 खत्म। 10 रुपये लीटर घटन का कोई फायदा नहीं होता? नहीं कोई फायदा नहीं, एक हफ्ते बाद फिर तुम वेख लियो पेट्रोल के रेट फिर इसे। पंजाब सरकार को चाहिए दो बारी, दूजे स्टेटा ने दो बारी रेट घटाता, पंजाब सरकार तो एक बारी घटाया, पंजाब सरकार सुती रही सरकार इन्हें चर ये गल मानते कि ना पंजाब सरकार तो हूँ चेता आ वोटों वास्ते भी अं वोटा लैनी है। पंजाब सरकार वालों अज ऐलान कर दिया गया है कि 10 रुपये पेट्रोल के जोड़े दाम घटा दिए गए हैं, 5 रुपये डीजल का रेट घटा दिता गया, एक्साइज ड्यूटी जी घटा दी गई है, 10 रुपये पेट्रोल दे विच होर कमी आ गई है। लोगों ना गलबात करते 10 रुपये पेट्रोल घटाता जी पंजाब सरकार ने, सर वधिया गल है, पर पहले तो बहुत तेज महंगाई हुई जगदमी, हुण वधिया गल है 10 रुपये घटा दी गई, 5 रुपये डीजल भी घटाता, बहुत वधिया गल है। 10 रुपये पेट्रोल तो 5 रुपये डीजल जिहड़ा पंजाब सरकार ने घटा दिता, 10 रुपये पेट्रोल तो 5 रुपये डीजल जिहड़ा वा पंजाब सरकार ने रेट घटाता जी, की कहोगे? तेल तो जनाब 70 रुपये चाहिए, ये तो वध नहीं बारा खाता हर बंदे। जिहड़ा 10 रुपये घटाया तो खुश हो? खुश खाश खाते हैं, 60-65 रुपये मिल जाता जो 110 रुपये मिलना पाया। वो तो केंद्र की सरकार ने वधा दिता, हूँ जो पंजाब सरकार ने यकदम 10 रुपये घटाता जे 5 रुपये डीजल भी घटाता। हाँ जी, मैं तो तुम दस्या भी तेल 70 रुपये बारा खाता, जो मर्जी होए भावें पेट्रोल होए भावें डीजल होए। पेट्रोल का रेट कहते हाले भी ज़्यादा 70 रुपये के आस पास जोड़ा वो चाहिए, 10 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट घटना आम लोगों को किन्ना क फायदा होएगा? गल कर लें 10 रुपये लीटर जोड़ा वो पेट्रोल का रेट घटिया, 5 रुपये जोड़ा डीजल का घट गया वा। गलबात कर लें इतने पेट्रोल पवाने लिए लोग आए हैं, की नाम है जी? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, 10 रुपये लीटर जोड़ा वा पेट्रोल का रेट घट गया, 5 रुपये लीटर डीजल का, की कहोगे? आम आदमी ने भाजी कोई राहत नहीं, 100 रुपये का जे पेट्रोल पवाइए तो मतलब 1 लीटर पेट्रोल नहीं है। स्कूटरी की एवरेज 35 किलोमीटर जस्ट 1-2 फेरे मारिए बाजार से 100 खत्म। नहीं 10 रुपये लीटर घटन का कोई फायदा नहीं होता? नहीं कोई फायदा नहीं, एक हफ्ते बाद फिर तुम वेख लियो पेट्रोल के रेट फिर इसे कंपनियां। पंजाब सरकार ने घटाए ने अज की डेट है? हाँ जी, अज तक नहीं कोई इनफॉर्मेशन मैंने। असं तुम दस रहे हैं कि 10 रुपये लीटर पंजाब सरकार ने रेट घटाता अज, और 5 रुपये लीटर जोड़ा वो डीजल घटाता, फिर तो बहुत वधिया कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है जी, आने वाले इलैक्शन ज्यादा फायदा होएगा। अज रात 12 बजे तो ये रेट लागू हो जाएंगे, क्योंकि हुणे ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 10 रुपये जोड़ा एक्साइज ड्यूटी घटा दी है पेट्रोल तो, और 5 रुपये डीजल तो घटाती, लगता कोई जेब तो राहत होएगी? थोड़ी बहुत ही तो होएगी सर, आम आदमी ने तो राहत है ही है, क्योंकि सब तो वड्डा कारण ही है पेट्रोल डीजल, सब तो वड्डी मतलब खपत तो यो ही है ना, होएगा आम आदमी ने थोड़ी राहत होएगी। आम आदमी को कहते कि राहत होएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि 10 रुपये लीटर एकदम जोड़ा रेट घटा देना, इतने कुछ नौजवान तेल पवा आए हैं, 10 रुपये लीटर अज फिर पंजाब सरकार ने घटा दिता पेट्रोल से, तो 5 रुपये लीटर डीजल से, कोई फायदा होएगा? इन्ना की फायदा पैना 5-10 रुपये ने, जे पहला घटाते फिर ही है, 70 तो 100 आ गया, 100 तो 120 तक चल गया, लोग नहीं आवाज चुकें, लोग गधे बने पे है। नहीं जिहड़ा रेट वधाउंदा जिहड़ा हुंदा वा सेंटर गौरमेंट वधाउंदी है, ये पंजाब गौरमेंट वल्लों घटाया गया? पंजाब गौरमेंट ने अपना घटाया ना, सेंटर ने अपना घटाया, पहले पंजाब गौरमेंट ने ज़्यादा नहीं ना किया अपना, ये अपने अगर टैक्स घटाएंगे फिर शायद फायदा होएगा। 10 रुपये लीटर टैक्स घटाता, इन्ना ज़्यादा फर्क ही नहीं पैना, 1 लीटर पिछले 10 से 2 पिछले 20 रुपये का फर्क, उन्हें ज़्यादा कोई पैना नहीं। हाँ, कितना घटना चाहिए तुहाडे हिसाब नाल? जिहड़ा पहला हुंदा है 70 रुपये उन्ना क बड़ा है, 70 रुपये कहते होना चाहिए, कोई ज़्यादा लाभ नहीं होंगे, पर ज़्यादातर लोग खुश भी ने कि जोड़ा रेट आ 10 रुपये लीटर अज तो घट गया है। हुणे हुणे जो पंजाब की सरकार ने ऐलान किया है कि 10 रुपये लीटर जो है वह पेट्रोल घटा दिता गया, अज हुणे हुणे पंजाब की सरकार मुख्यमंत्री ने 10 रुपये लीटर पेट्रोल घटाता जी, ठीक है जी, अच्छा जी, कितना फायदा होएगा? बहुत फायदा होएगा, काफ़ी फायदा होएगा, 5 रुपये लीटर जोड़ा वा वो डीजल भी घटा दिता गया। हूँ इतने पेट्रोल पंप जो जो इतने
ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਭਾਅ ਦਾ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਭਾਅ ਤੇਲ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਭਾਅ ਤੇਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਭਾਅ ਤੇਲ ਪਏਗਾ ਇਧਰ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ 105 ਰੁਪਏ 71 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਹੂਲਤ ਜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਘਟਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਟਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ। ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਿਤਿਨ ਲੋਥਰਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।